आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने जनपद के द्वितीय पिंक बूथ का उद्घाटन किया है। शासन के निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य का महिलाओं को सशक्त करने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए जनपद के दूसरे पिंक बूथ को सुखदेव पहलवान स्टेडियम गेट के पास स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन एसपी अनुराग आर्य के द्वारा फीता काट कर किया गया। एसपी का कहना था कि महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु पिंक बूथ पर महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है, जो कि महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं को सुनकर उसका त्वरित निस्तारण कराएंगी। पिंक बूथ पर एक में महिलाओं की समस्याओं को अंकित कर उसका यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाएगा। नियुक्त महिला पुलिस कर्मियों द्वारा आने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में पंपलेट के माध्यम से जानकारी देते हुए हर उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों के बारे में भी बताया जाएगा। नारी सुरक्षा एवं अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य ही इस पिंक बूथ की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी पिंक बूथ की स्थापना की जाएगी। पिंक बूथ पर नियुक्त महिला पुलिस कर्मी चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान के निर्देशन में कार्य करेगी, जिसकी मॉनिटरिंग अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी नगर व थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा की जाएगी। इस दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, सीओ सिटी गौरव शर्मा, शहर कोतवाल शशि मौली पांडे, ब्रह्मस्थान चौकी इंचार्ज उमेश कन्नौजिया सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शासन के निर्देशानुसार जो मिशन शक्ति हमारा चल रहा है, उसमें जगह जगह पे जो ऐसे स्थान है जहाँ पे कॉलेज है या ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ पे बच्चियों का आना जाना रहता है, वहाँ पे पिंक बूथ जिसमें महिला कांस्टेबल्स की उपलब्धता हो उनका उद्घाटन किया जाना है। ये दूसरा पिंक बूथ जनपद आजमगढ़ का थाना कोतवाली अंतर्गत आज इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें पुलिस से संबंधित समस्याओं के साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं, शासन की योजनाएं हैं, उनके बारे में जागरूकता और अगर आवश्यकता है किसी महिला को कि उनको संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेट कराया जाए और उनका कोई ऐसा इशू है जिसको रिजॉल्व कराया जाए तो उसके संबंध में भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो महिला कांस्टेबल हैं उनको इंचार्ज यहाँ पे बनाया जाएगा और उनको भी संबंधित विभागों से कोऑर्डिनेट करा के ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, ताकि वो उनको ये जानकारी रहे कि किस योजना की क्या पात्रता है, क्या लाभ है और किस महिला को उसका लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से उसकी मदद हो सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर कोचिंग संस्थाएं भी बहुत इस रोड पे हैं, कुछ स्कूल कॉलेजेस भी काफी हैं और स्टेडियम में भी बहुत सी बच्चियां आती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उस हिसाब से भी ये एक उचित जगह थी जहाँ पे पुलिस बूथ का महिला पुलिस बूथ पिंक पुलिस बूथ अनिवार्य था, तो इसका आज उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी, जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों में भी ये शुरुआत की जा रही है। बहुत जल्द अन्य पुलिस बूथ भी इसी तरीके से इनॉग्रेट किया जाएगा। सर इसकी क्राइटेरिया क्या होती है जिससे महिलाओं का आना जाना ज्यादा होता है या जो भी ऐसे एरियाज हैं जैसे मार्केट के एरिया हैं जहाँ पे महिलाओं का आवागमन ज्यादा है या फिर स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे बच्चियां पढ़ने आती हैं और साथ साथ ऐसी जगह भी चिन्हित की जा रही हैं जहाँ जो थोड़ा दुर्गम स्थान है जहाँ पे आबादी कम है और वहाँ से आना जाना महिलाओं का होता है, ताकि वहाँ पे भी पुलिस की प्रेजेंस बनी रहे। इसके लिए एक बहुत विस्तृत शासनादेश आया है कि ये कैसे फंक्शन करेगा, इसके 17 बिंदुओं का कंप्लायंस के लिए नोडल अधिकारी सीओ सिटी को बनाया गया है, ताकि इन बूथों पे पुलिस की प्रेजेंस उन आवर्स में जो टाइमिंग है उसमें इंश्योर की जा सके। इसी तरीके से और जगह चिन्हित की जा रही है और सभी जगहों पे इसकी शुरुआत